अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ, जो बिल्कुल छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया, तो ये मेरी बच्चों में से एक आज हमने खानी है, वही चेक कर खानी है मैंने, वही मैं जिस जो जो भी मेरा फ्रेंड मूवी वीडियो देखता है वो मुझे बताए कि कौन सी बत्तख ठीक रहेगी खाने के लिए। तो आज जो है मूड बना हुआ है इनको खाने का, तो मुझे बताए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो बारिश का बहुत ही मज़ा आ रहा है बारिश में, तो शायद मुझे लगता है बर्फ़ भी पड़ेगी। ये देखिए, तो ये मेरी मुर्गी भी इधर ही है, मेरी बत्तखें भी इधर ही हैं। आज जो क्या है, जो भी मेरे दोस्त हैं मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी ठीक रहेगी, ये वाली ठीक रहेगी या वो वाली ठीक रहेगी। तो ये तो मैंने अकेले ही खानी है, तो चलो बने रहिए मेरे साथ। आज बनाते हैं हम एक छोटी सी वीडियो, मीट है वो बनाते हैं देसी स्टाइल में। आज मुझे दिल आया हुआ है जो बड़ा ही मज़ेदार करारा सा खाने का, सर्दी भी है तो है थोड़ा सा, चलो बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ देसी स्टाइल में जल्दी कैसे बनाते हैं। प्याज और टमाटर अगट्ठे ही काटने वाला हूँ मैं, तो बने रहिए आप, आगे मैं बताता हूँ आपको। तो अब काटने जा रहे हैं टमाटर। तो रेडी हो चुके हैं, तो बनाते हैं देसी स्टाइल में। तो तेल हमारा रेडी हो रहा है, देखिए चलिए हमारा रेडी हो चुका है। तो अब आगे हम डालने जा रहे हैं प्याज और टमाटर, ये मैंने अगट्ठे रखे हुए हैं, ये बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये इसको थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद इसमें मीट डाल के ये खुद मीट इसको प्याज और टमाटर को सेट कर देगा। हमने ऐसे नहीं डालना, हमने देसी स्टाइल में रखना है। ये हमारा मीट रेडी है, तो अभी आगे बने रहिए साथ में दोस्तों, मज़ा आएगा आज। ये रेडी होने वाला है, इसको ज़्यादा नहीं हमने कुछ करना है। इधर अर्थगुल ने भी बहुत तंग किया हुआ है, बोल रहा है चिच्चू दो चिच्चू दो। क्या खाना है पुत्र? चिच्चू? हाँ गुड। एक बार यस कर, फिर चिच्चू दूंगा, यस कर। वेरी गुड। और एक बात और, इसमें कोई मसाला कुछ नहीं हमने डालना है, हमने इसे देसी जो है बिल्कुल इसका अपना टेस्ट चेक करना है आज हमने। सिंपल बोले तो है एकदम भाई सिंपल, इसमें मसाला अभी तक मैंने कुछ नहीं डाला है, और सिर्फ मैं इसमें डालूंगा मिर्ची नमक हल्दी बस। तो ये तो रेडी हो चुका है गाइस, अब इसमें डालेंगे हम अपना मीट। मीट भी डाल दिया, अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हल्दी। डालने जा रहे हैं मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, अच्छी चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम, जो भी। अब जा रहा है इसमें नमक। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स।
इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देते हैं इसको। अब इसको छोड़ देते हैं हम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ठीक हो गया है। ये इसका अपना पानी है, मैंने इसमें अभी नहीं कुछ डाला। ये थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद ये रेडी हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और छोड़ देंगे। तो ये आप चावल के साथ भी खा सकते हो, फुलके के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। चलो ठीक, फाइनली गाइस ये रेडी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम खाएंगे, आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। बने रहिए आप मेरे साथ, लव यू। तो बन के तैयार, रेडी हो चुका है गाइस। देखते हैं आप इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं इसमें कोई मसाला को कुछ नहीं डाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो खाते वक्त मैं बाहर नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।